मेरे बाय बाय, फिर मिलेंगे। हालत खराब हो गई है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है दुबई एयरपोर्ट पे। आप लोगों को ये दिखाना भी जरूरी है कि हम लोग ने ये जो भी हम लोग अट्रैक्शन कर रहे हैं दुबई में, दुबई फ्रेम, बुर्ज खलीफा, जो भी कर रहे हैं ना, वो हम लोग कहाँ से बुक कर रहे हैं, कोई एजेंट से बुक नहीं किया है। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज अपनी वापसी है अपने देश इंडिया, और जब भी ये दिन आता है ना कि मैं कोई इंटरनेशनल ट्रिप पे हूँ, और जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ ना, आज अपनी वापसी है अपने देश, मुझे सच्ची बहुत ही अच्छा लगता है। भले 4 दिन के लिए आया था, बट जब अपने देश जाना होता है ना, तो यार एक अलग ही फीलिंग रहता है, एक अलग एक्साइटमेंट रहती है। तो पैकिंग तो अपनी पूरी तरह हो गई है, कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ क्लियर कर दिया। और सीन ऐसे है ना कि अभी लगेज रखेंगे हम होटल में ही रिसेप्शन पे, क्योंकि अपनी फ्लाइट है रात को 12 बजे और चेकआउट अभी दोपहर को 12 बजे है। तो इंडियन से पैसा बचाना है तो लगेज यहीं पे होटल पे रखेंगे रिसेप्शन पे, और आज का दिन भी दुबई एक्सप्लोर करेंगे, काफी टाइम है अपने पास। एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, छूट गया ना तो लफड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं है, बेड पे भी देख लेते हैं, कुछ नहीं है, ऑल गुड। चलो भैया, आखिरी दिन दुबई घूमते हैं अभी अपन। हॉबी भी लास्ट डे इन दुबई। तो दुबई के लास्ट डे पे जाएंगे आखिरी बार मेट्रो से, जा रहे हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स। वो मॉल एक बज गया था सर, थोड़ा पहले तो शॉपिंग कर लेंगे, उसके बाद का बात करेंगे। तो भाई अपना गूगल मैप्स देख रहा है मॉल घूमने के लिए, किधर जाना है, एबरक्रॉम्बी एंड फिंच। तो ये जो मॉल है ना, मॉल ऑफ एमिरेट्स, वन ऑफ द क्लासी मॉल है, यहाँ पे आना बनता है, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स है, तो अगर पैसा है आपके पास तो ये मॉल में ज़रूर आना। तो अगर आपको स्की दुबई करना है तो आपको मॉल ऑफ एमिरेट्स पे ग्राउंड फ्लोर पे आना है। सूचना जनहित में जारी। चलो भैया निकल गए, थोड़ा लगेज का इशू हो गया था बट मैनेज हो गया, और लेट भी हो गया अभी। तो आते वक्त अपना फ्लाइट एयर इंडिया का है, और हम लोग बहुत कट्टू कट है अभी फिलहाल, और इतनी बड़ी लाइन है भाई, टेंशन में है भाई, फ्लाइट मिलेगी ना अपने को। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा बचा है, और इतनी बड़ी लाइन है हम लोग को चेक इन करने के लिए, हालत टाइट है भाई मेरे। बाय बाय, फिर मिलेंगे, तू नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा है। चलो बाय, थैंक यू सो मच बाय। गर्दी देखो दुबई एयरपोर्ट पे कितनी है, कितनी है, पूरा दुबई शहर दुबई के बाहर निकल रहा है अभी। हालत खराब हो गई है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है दुबई एयरपोर्ट पे, और अभी सिर्फ 20 मिनट बचे हैं गेट ओपन होने के लिए। हम लोगों को अभी तक इमिग्रेशन करना है, और उसके बाद सिक्योरिटी चेक करना है। झगड़े वगड़े सब शुरू है यहाँ पे, किसी का झगड़ा चालू है, कुछ तो हो गया सी। फाइनली 11:55 का फ्लाइट है, और 11:27 को हम लोग अगर सिक्योरिटी चेक करके सब कुछ होके हम लोग अभी यहाँ पे आ गए,
सुसु करने की फुर्सत नहीं थी। दुबई एयरपोर्ट फुल जैम पैक है, ना सुसु करने की फुर्सत थी ना व्लॉगिंग करने की। अभी कैसे वैसे फटाफट सब करके आए हैं, अभी बोर्डिंग कर लेते हैं। घाई वाला मुंबई एयरपोर्ट देख लीजिए क्योंकि लेट हो गया है। अभी ज़्यादा एक्सप्लोर करने को नहीं मिलेगा अपने को दुबई एयरपोर्ट। कोई भी ज़्यादा ड्यूटी फ्री शॉप्स में नहीं है, सबको लेट हो गया, सब जन भाग रहे हैं। फाइनली बोर्डिंग हो गई। 11:35 का अपना टेक ऑफ है, लेकिन ये जो बंदा है ना यहाँ पे यामे की सीट है, वो अभी तक आया नहीं है, वो अभी तक ड्यूटी फ्री में शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब यार मानना पड़ेगा। तो अभी सब कुछ हो गया है, रिलैक्स हो, बहुत ही बढ़िया है। अभी टेक ऑफ करते हैं और अपने देश पहुँचते हैं। दुबई आते वक्त एमिरेट्स और इंडिया जाते वक्त अपने देश की एयरलाइंस एयर इंडिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, सुबह के 4:30 बजे अपने देश हिंदुस्तान में अपना स्वागत है। अभी एग्जिट इमिग्रेशन करते हैं और घर पे जाके थोड़ा सो लेते हैं। सोता हूँ और फिर आप लोगों को मिलता हूँ क्योंकि बहुत सारे फीडबैक और रिव्यूज़ देने हैं। अब बज रहे सुबह के 9:30 और 3 घंटे की नींद हो गई है ना, तो अब अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश लग रहा है। दुबई एयरपोर्ट पे तो समझ सकता हूँ कि सब पब्लिक बाहर निकल रही थी, सारे टूरिस्ट निकल रहे थे वहां से क्योंकि रमजान शुरू हो रहा है, तो दुबई में काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। बट मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हम लोग को इमिग्रेशन के लिए देर से 2 घंटा लगा। इतनी गर्दी थी, लोग झगड़ रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे खुद को पता नहीं, लाइन तोड़ रहे थे, इधर से घुस रहे थे, उधर से घुस रहे थे। और जो काउंटर्स थे ना वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए, जो इंडियन सिटीजन्स के लिए थे, तो 10 से 11 काउंटर में से सिर्फ मात्र 4 काउंटर चालू थे। उसके वजह से पूरा मैस हो गया था। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद उन्होंने सारे काउंटर चालू किए ना, तब जाके भीड़ कंट्रोल में आ गए और तब जाके हम लोग को इमिग्रेशन मिला। अब आते हैं अपने दुबई ट्रिप पे। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया, काफ़ी अच्छे से सरप्राइज दिया बाकी सारे लोगों को, तो काफ़ी बढ़िया था दुबई ट्रिप। और दुबई का क्लाइमेट क्या ही बताओ, इतना मुझे टेंशन था कि मैं मार्च में जा रहा हूँ दुबई तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, बट रात के टाइम पे तो यार ठंडा हो रहा था और दिन के टाइम पे भी काफ़ी अच्छा था। तो ट्रिप तो काफ़ी अच्छी हो गई, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ रिव्यूज़ आप लोगों के लिए अगर आप लोग दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो एयरवेज से मैंने ट्रैवल किया, एमिरेट्स से। और अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरे लिए मतलब इतना वाव फीलिंग नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था एमिरेट्स से ट्रैवल करने के लिए। हर एक ट्रैवलर एक्साइटेड रहता है एमिरेट्स से ट्रैवल करने के लिए, लेकिन इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। अगर हम ज़्यादा पैसा भर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, बट ठीक ठाक था। और सबसे बड़ी दिक्कत थी उस फ्लाइट में का फ्लाइट स्टाफ, बहुत ही ज़्यादा रूड था जब वो लोगों से बात कर रहा था। मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं बाकी पैसेंजर्स के साथ उनको देख रहा था बात करते हुए, तो मुझे थोड़े वो लोग रूड लगे क्योंकि उन पैसेंजर्स के डाउट्स थे मील्स के बारे में, कुछ भी डाउट्स थे, तो वो लोग थोड़े रूडली बात कर रहे थे। तो अगर यार इतना हाई एक्सपेक्टेशन है एयरवेज के बारे में तो ये सब कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा एयरवेज को। अब बात करते हैं अपने दुबई अट्रैक्शंस के बारे में। तो जो भी हमने दुबई अट्रैक्शंस एक्सप्लोर किए ना दुबई में, वो सारे मैंने ऑनलाइन बुक किए थे दुबई जाने के पहले, मेरे लिए भी और उसके पहले अमय और बाकी सब जन ट्रैवल कर रहे थे उनके लिए भी। तो जब मैं बुक कर रहा था ना, तभी मैंने वीडियो बना लिया था ताकि मैं आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं कि अगर आप लोगों को दुबई अट्रैक्शंस बुक करने तो कैसे करने। बहुत ही अच्छी साइट है, बहुत अच्छा डिस्काउंट रहता है, सिर्फ आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे बुक करना है। तो ये वीडियो देख लीजिए, थोड़ा आइडिया आ जाएगा आप लोगों को। जो अपनी अपकमिंग दुबई ट्रिप है ना, मतलब ये जब आप वीडियो देख रहे हैं ना तो ऑलरेडी अपनी ट्रिप शुरू हो गई है, बट आप लोगों को ये दिखाना भी ज़रूरी है कि हम लोग ने ये जो भी हम लोग अट्रैक्शन कर रहे हैं दुबई में, दुबई फ्रेम, बुर्ज खलीफा, जो भी कर रहे हैं ना, वो हम लोग कहाँ से बुक कर रहे हैं, कोई एजेंट से बुक नहीं किया है। भाई कैमरा जरा इधर लेके आइए। ये हेड आउट करके एक ऐप है, यहाँ से हम लोग पूरा बुक कर रहे हैं सब कुछ। तो कैसे रहता है आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। अभी मैं ये बुर्ज खलीफा का बुकिंग कर रहा हूँ, बुर्ज खलीफा एट द टॉप, टिकट्स लेवल 124 एंड 125। अभी मेरे पास जरा लेके आइए। तो ये हम लोग ने क्यों किया है, यहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी मैं कर रहा हूँ ना तो मुझे क्रेडिट्स मिल रहे हैं
और वो क्रेडिट्स हम लोग नेक्स्ट बुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं। पहले हम लोग ने ना म्यूजियम ऑफ फ्यूचर बुक किया नौजन का, तो उसके ऊपर वो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर मैंने बुक करने के बाद उसके लिए भी मैंने एक प्रोमो कोड अप्लाई किया था, तो मेरे को ऑलरेडी 8% डिस्काउंट मिला था। वो प्रोमो कोड क्या है वो आप लोगों से उनसे चैट करके ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम चेंज होता है। मैंने उनसे चैट किया था तो उन्होंने मुझे वो प्रोमो कोड दिया था, और फिर वो बुकिंग होने के बाद जब हम लोग बुर्ज खलीफा कर रहे थे ना, तो मेरे पास ऑलरेडी INR में 2500 रुपीज़ क्रेडिट आ गए थे। वो क्रेडिट मैंने यूज़ किया, प्लस मैंने मेरा प्रोमो कोड 8% का यूज़ किया, तो कम से कम 3500-4000 रुपया मेरा माइनस हो गया। पकड़ के चलिए बुर्ज खलीफा बुक करते हो 9 जन में से 1 जन का तो टिकट मेरा फ्री में हो गया। तो इसके लिए मैं सब कुछ हेड आउट से कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स रहते हैं, उन लोगों का सेल भी रहता है, आप लोगों को सिर्फ ट्रैक करते रहना पड़ेगा। तो जब भी आप दुबई प्लान कर रहे हो आप आपके अट्रैक्शंस हेड आउट से बुक कर सकते हो। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट मैं को ये यूज़फुल लग रहा है इसके लिए आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा मत सोचिए कि हेड आउट मुझे कुछ पेमेंट दे रहे हैं और मैं उन लोग का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दुबई में हम लोग जब भी ट्रैवल कर रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मेट्रो से ट्रैवल करते थे, कैब से बहुत कम ट्रैवल किया, बट जब भी कैब से ट्रैवल कर रहे थे तभी हम लोग करीम्स बुक कर रहे थे। तो आप करीम्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो आपके फ़ोन पे, उसमें हाला टैक्सी का ऑप्शन है, आप हाला टैक्सी बुक कर सकते हो, क्योंकि प्रीमियम टैक्सी थोड़ी एक्सपेंसिव है और हाला टैक्सी थोड़ी सस्ती है। हम लोग हाला टैक्सी बुक करते थे, बट ज़्यादा टाइम तो हम लोग मेट्रो से ट्रैवल कर रहे थे, और मेट्रो से ट्रैवल करते वक्त हम लोगों ने निकाला था गोल्ड पास, क्योंकि वो प्रीमियम पास है, उसमें थोड़ी भीड़ कम रहती है और उसका व्यू भी बहुत ही अच्छा रहता है, एकदम आगे वाला कंपार्टमेंट है, तो जब अंडरग्राउंड से मेट्रो ऊपर निकलती है ना तो इतना प्यारा व्यू रहता है ना, तो टूरिस्ट के लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड है गोल्ड पास। तो मेट्रो से भी आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और एक अलग ढंग से एक्सप्लोर होता है दुबई। तो ये था दुबई ट्रिप के बारे में इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आप लोग दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी जाते हैं वो वाले घर पे दो काम है, एक तो माँ के हाथ का खाना एंजॉय करने की भूख भी लगी है, और अपने को आ रही है अपने वीर की याद, तो वीर को भी मिल लेते हैं, क्योंकि वीर को भी अपनी याद आती रहेगी। तो बहुत दिन हो गए वीर को देखे नहीं है, तो वीर को देखते हैं, थोड़ा निकालते हैं, चलाते हैं उधर ही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बैटरी डाउन हो जाएगी। तो ये है अपनी धन्नो लेके जाएगी अपने को वीर के पास। वीर 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 मेरे भाई कैसा है तू? अगर ये नहीं है तो समझ जाओ वीर की हालत क्या होगी। ये देखे, खोलना पड़ेगा, वीर की शक्ल देखनी पड़ेगी। छाऊ करके दिखते हैं, क्या बात है, एक्सेल में स्टार्ट। वीर को चलाने की मजा ही अलग है। मज़ा आ गया। तो आज का ये व्लॉग वीर के साथ ख़त्म करेंगे, क्योंकि आखिर में वीर ही अपना साथी है, इसके बाद वीर पे ही घूमना है अपने को। तो ये व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आ गया रहेगा तो प्लीज़ इधर लाइक बटन, और आप अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ गया रहेगी तो प्लीज़ जो नए हो सब्सक्राइब करो। वदेश बाय, टेक केयर, लव लाइफ। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने एयरवेज से।